तो चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और किसानों की रणनीति पर बड़ी खबर आपको बताते चले। शंभू बॉर्डर पर बैठक करेंगे किसान नेता, थोड़ी देर में होगी किसान नेताओं की बैठक, आगे की रणनीति को लेकर बैठक करेंगे किसान, बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए बीते दिन की तस्वीर आपने देखी थी, किस तरह से शंभू बॉर्डर पर जमकर किसानों का हंगामा देखने को मिला था। ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे गए थे क्योंकि स्थिति जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आई, और फिर स्थिति को कंट्रोल करते हुए पुलिस ने देखा किया था, और फिर क्योंकि किसान जो थे वो बैरिकेड्स तोड़ते हुए नजर आए थे। और आज देखिए किसान आंदोलन का दूसरा दिन है, किसान आंदोलन की वजह से आम जनता काफी ज्यादा त्रस्त है क्योंकि जगह जगह पर भीड़ है, जाम की स्थिति बनी हुई है। और ये देखिए लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, किसान आंदोलन का दूसरा दिन है और किसानों की रणनीति पर ये बड़ी खबर भी आपको बताते चले। देखिए किसान पूरी तरह से तैयार है और बस दिल्ली कूच की उनकी तैयारी है। शंभू बॉर्डर पर बैठक करेंगे किसान नेता, खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी सुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, किसानों की रणनीति पर बड़ी खबर देखिए लगातार हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर बैठक आज करेंगे किसान नेता, जंतर मंतर पर आप मौजूद हैं, क्या तस्वीर और क्या अपडेट इस वक्त? देखिए रंजना, हम आपको बता दें कि कल केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि एमएसपी पे कानून बनाएंगे, लेकिन उनको थोड़ा वक्त चाहिए, उसके लिए उनको पूरा सोचना चाहिए, समझना पड़ेगा, उसके बाद इस पर कानून बनाया जाएगा। लेकिन किसान जो है मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, किसानों कहना है कि उनको कानून अभी बनाना उनको चाहिए अभी, क्यों एमएसपी पे कानून की जो पुरानी मांग है। हम बता दें किसानों के आंदोलन को देखते हुए खासकर अब जो है ये नई दिल्ली का इलाका है, आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिए, क्योंकि खुफिया जानकारी मिली कि अब किसान जो है सरकार से आर पार कर लड़ाई के मूड में है और वो किसी ना किसी तरह दिल्ली पहुँचना चाहते हैं, दिल्ली कूच करना चाहते हैं। शंभू बॉर्डर पर कल जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा, किसानों की तरह भगदड़ मचाई, वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस गोले दागे गए। अब किसानों ने थोड़ा अब ये कहा कि अब वो किसी ना किसी तरह दिल्ली पहुँचना चाहते हैं, खासकर जंतर मंतर। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस समय जयसिंह रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए पुलिस ने किस तरीके से घेराबंदी कर रखी है, क्योंकि मेन मुख्य मार्ग है जंतर मंतर, मुख्य मार्ग है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि जिससे चंद कदम की दूरी पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जहाँ पर पुलिस कमिश्नर बैठते हैं, तो इन सबको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी है। और जिन हम आपको ये बता दें, सुरक्षा के साथ बढ़ाने के साथ जो सबसे ज़्यादा खामियाजा आम वाहन चालकों को भुगतना पड़ा, देखिए क्योंकि यहाँ पर जाम लगेगा, पुलिस की बैरिकेटिंग की गई है, पुलिस जांच करेगी, तो यकीनन जाम लगना ही लगना है, जिससे खासा लोग परेशान होंगे, जो आने जाने वाले लोग हैं, सुबह का वक्त है, लोग ऑफिस की ओर जाते हैं, ट्रेन पकड़ने जाते हैं, पेपर देने जाने, कहीं ना कहीं जो लोगों आम जो लोग हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन किसान जो है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, हालांकि सरकार ने उनको आश्वासन दिया है कि उनको थोड़ा वक्त और चाहिए, वो पूरा जो कानून है एमएसपी पे जो कानून बनेगा उसको पूरा परखा जाएगा, उसके बाद कानून को रूप दिया जाएगा। लेकिन किसान संगठन जो है फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। दूसरी इसमें मैं एक मुख्य बात ये बताऊंगा कि इस बार जो है जो हमें जानकारी मिली है, इस बार किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले ये सब किया जा रहा है। किसानों ने ये लड़ाई का जो मूड है वो बना लिया है, क्योंकि देखिए वो लगातार डटे पड़े हुए हैं और आज भी वो रणनीति बनाते हुए नजर आए। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें, खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे।